नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 मई गुरुवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों के परिजनों को सिलेंडर उपलब्ध करवाने का झांसा देकर करीब 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिल्ली पुलिस ने अलवर निवासी मास्टरमाइंड पोस्टमैन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के लोग ऑक्सीजन सप्लायर बनकर इंटरनेट पर अपना नंबर उपलब्ध करवाते, इमरजेंसी में कोविड मरीजों के परिजन नंबर पर संपर्क करते तो ठग उनसे हर सिलेंडर के 40 से 50 हज़ार रुपये भुगतान ऑनलाइन करवा लेते, इसके बाद नंबर बंद कर लेते। जिन खातों में पैसा जमा करते वे भी फर्जी नाम पते से खुलवाए हुए थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में ठगी के तार अलवर और भरतपुर जिले से जुड़े हुए मिले। गिरोह भरतपुर जिले के गावड़ी और पथेड़ी क्षेत्र से ऑपरेट हो रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने दिल्ली व एनसीआर में 60 से 70 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने गिरोह में शामिल पोस्टमैन शिवलाल शर्मा निवासी भरतपुर और डालचंद निवासी भरतपुर को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले के मंडोर थाना क्षेत्र के मगजी की घाटी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी शादी को कुछ माह ही हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मूलते खेड़ापा के गिगला हाल मगजी की घाटी में रहने वाली 22 वर्षीय पूजा ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। भरतपुर जिले के डीग थाना पुलिस ने डीग पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बद्रीपुर के पूर्व सरपंच बारिशमेव और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जगत सिंह को पंचायत के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द कर विकास कार्य के नाम पर किए गए करीब 65 लाख से भी अधिक के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत बद्रीपुर के क्षेत्र के पंचायत प्रसार अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बद्रीपुर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जगत सिंह एवं पूर्व सरपंच बारिशमेव के विरुद्ध पंचायत में विकास के नाम पर रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द कर पंचायत में कार्य नहीं कराकर 65,89,292 रुपए अपने बैंक खातों में जमा कराने का मामला 20 मार्च 2020 को डीग थाने में दर्ज करवाया था। नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 12 साल की मासूम जिसे अपना भाई मानती थी वही युवक 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और इस बारे में किसी को बताने पर पीड़िता मासूम को उसके पिता व भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी से परेशान होकर मासूम ने यह बात परिवार वालों को बता दी। परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी युवक पीड़िता का धर्म भाई बना हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। CBSE के 12वें एग्जाम को लेकर राज्य अपनी राय दे चुके हैं। CBSE पहली बार 12वें की परीक्षा आंसर शीट के बजाय OMR शीट पर कराने की योजना बना रहा है। छात्रों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल दिए जाएंगे तो कुछ सवालों के छोटे उत्तर लिखने होंगे। हालांकि इस पूरी योजना पर फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल करेंगे। CBSE से जुड़े सूत्रों ने बताया कि CBSE चाहता है कि एग्जाम स्टूडेंट्स के स्कूल में ही करवा लिए जाएं। हालांकि राजस्थान सहित कुछ राज्य इस बात पर सहमत नहीं हैं। फिर भी CBSE कोरोना की दूसरी लहर में रिस्क नहीं लेना चाहता और स्कूल में ही एग्जाम करवाकर वहीं OMR शीट की जांच चाहता है। इसके लिए CBSE IIT की ओर से तैयार रोबोटिक ऐप का इस्तेमाल करेगा। OMR बेस्ड एग्जाम में 60 से 70% पाठ्यक्रम के तहत ही वैकल्पिक व छोटे सवाल पूछे जाएंगे। अन्य सामान्य प्रश्न भी होंगे जिनके जवाब OMR शीट पर ही लिखने होंगे। पेपर का समय 3 घंटे से घटाकर 90 मिनट कर दिया जाएगा। पंजाब के पटियाला के पातड़ा के तहत पड़ते गांव जाम मेड़ी में खूनी वारदात में पिता पुत्र की गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बीरा सिंह और उसके पुत्र चरणजीत सिंह निक्का के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार मृतकों का उसके रिश्तेदारों के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। इससे संबंधित उनका अदालत में केस भी चल रहा था, लेकिन इस दौरान ही पुत्र पिता की गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की जाँच की जा रही है। भारत में कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद सरकार सभी के लिए एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर रही है जिसको लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी को लेकर अब सरकार ने चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय ने साइबर दोस्त अकाउंट से ट्विटर कर पोस्ट किया है। सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन शेयर न करें क्योंकि वैक्सीन सर्टिफिकेट में अपना आपका नाम और अन्य निजी जानकारी होती है। इन जानकारियों का इस्तेमाल जालसाजी के लिए किया जा सकता है, ऐसे में आपको इससे सावधान रहना चाहिए।
भरतपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में संविदा पर लगी महिला सहायक कर्मचारी वर्षा देवी और उसकी बेटी के अपहरण की आशंका जताई गई है। इस संबंध में उसके पति रमेश निवासी दोसा ने मथुरा गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में आरोप है कि उसकी पत्नी पिछले 4 साल से किराए का कमरा लेकर भरतपुर में ही रह रही थी। उसके साथ 14 वर्षीय बेटी भी रहती थी। पत्नी की जान पहचान राहुल एक अन्य महिला मंजू देवी से थी। पिछले 4 दिन से वर्षा और पुत्री मनोज दोनों का कोई कुछ पता नहीं है। उनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। भरतपुर आने पर पता चला कि राहुल और मंजू देवी उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के भुसावर थाने पर हलैना थाने के गांव धरसोनी निवासी एक पिता ने दामाद सहित 3 जनों के खिलाफ पुत्री की हत्या करने तथा उन्हें सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि गांव धरसोनी निवासी पदम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी 25 वर्षीय पुत्री शंकुतला की शादी भुसावर थाना के गांव कमालपुरा निवासी मुकेश के साथ 6 वर्ष पूर्व यथाशक्ति दान दहेज देकर शादी की गई, लेकिन दहेज लोभी दामाद उसकी सास व ननद उसे पीहर से और दहेज लाने को लेकर आए दिन उसे प्रताड़ित करने लगे थे। आरोपियों ने उसकी पुत्री की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।